हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पीजीटी बिहार हिस्ट्री 2.4 की भर्ती की एग्जाम हो गया है संपन्न। पेपर का एनालिसिस करने से पहले सभी से जानते हैं कैंडिडेट्स कि पेपर कैसा था, पेपर का लेवल क्या था। पेपर मीडियम साइज का था, इसलिए मेरे लिए मीडियम इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं लगभग 8 महीने से पढ़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अच्छा था। कहाँ से पढ़ाई किया आपने? मैंने सर अड्डा पे किया है, शशि सरल सर से, जावेद सर से, जो आप करे हैं सर। पेपर करके आए पूरा? सर शनि श्रीवास्तव सर से, यस सर, पेपर पूरा करके आए हैं। 90 से ऊपर नंबर जाएगा मेरा। जी जी, क्या बात है, आपका सिलेक्शन हो, यही हम लोग कामना करते हैं। मैडम, आप सर फिन ब्रिगेड से बात करना चाह रहा हूँ कि इन लोग का पेपर कैसा हुआ? कैसा हुआ पेपर? पेपर टफ था। ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 20% अंदर से क्या फीलिंग कैसा आ रहा है? 50 तक सही जाएगा, बाकी खुद का मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम 20 नंबर भी अगर ज्यादा जाते हैं तो कट ऑफ के अंदर रहेंगे। पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से किया है? आपके चैनल से। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। मैम, आपने कैसा बात? 55 अगर एबव है तो मुझे लगता है कि वुमेन्स में चांसेस काफी है। अरे झोला रहने दी जाइए। आपका नाम क्या हुआ सर? अजय कुमार यादव। कहाँ से हैं सर? दरभंगा से। दरभंगा से। कैसा हुआ पेपर सर आपका? बहुत अच्छा या बहुत खराब या मीडियम? मीडियम। मीडियम। टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आपने? जी, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। आपको पेपर देख के क्या रियलाइज हुआ कि किस लेवल का पेपर था? लेवल बीपीएससी कहता है ना, बीपीएससी लेवल से ऊपर का पेपर। मतलब पेपर अगर मैं कहूं कि यूजीसी लेवल का पेपर? यस यस, ये कहना सही है, ये कहना एकदम सही है हमारे जावेद सर का कि यूजीसी लेवल का ये क्वेश्चन था। और इसमें सरकार की मंशा यही है कि कम से कम रिजल्ट कट ऑफ आएगा, यही उम्मीद करते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का आज जो है 15 तारीख को सारे एग्जाम्स हो गए। और जिस सेंटर पे हूँ यहाँ पे काफ़ी अड्डा के स्टूडेंट से बात हुआ, काफ़ी स्टूडेंट से भी, हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट से भी, हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट से भी, हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट से, मैक्सिमम स्टूडेंट से मिला मैं मुजफ्फरपुर के सेंटर पे हूँ। क्वेश्चंस कहना है बच्चों का कि पेपर का लेवल हाई था, लेकिन हाँ क्वेश्चंस करके आए हैं फिर भी हमारे स्टूडेंट्स। आइए जानते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या था और क्या क्या क्वेश्चंस आया है ये पूछते हैं मैडम। मैडम, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था पहले तो ये बताइए। Easy to moderate, moderate to high, मतलब तीनों लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब conceptual लेवल के क्वेश्चन था इसका मतलब। आपने कितना अटेम्प्ट किया पहले तो ये बताइए। आप है कहाँ से, कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से आए हैं। ओके, काफी दूर दे दिया सेंटर, इसका मतलब आप मैम कहाँ से आइए? रोसरा कहाँ पड़ता है? अच्छा, समस्तीपुर वाले। मैम आप दरभंगा से, कैसा हुआ आपको? मॉडरेट टू टफ। इसका कहने का अर्थ ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर मॉडरेट टू टफ, और आप सभी जानते ही हैं कि संघ जो कहते हैं ना कि बीपीएससी का हमेशा पेपर टफ रहता ही है, लेकिन इस बार एक चीज़ देखने को मिला कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। और मैंने कहा था बच्चों को कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे थोड़ा सा कम ही फोकस करो क्योंकि बिहार बीपीएससी का वो पैटर्न होता नहीं है। और मैम से भी जानते हैं कि क्वेश्चन का, मैम कुछ क्वेश्चन याद हो आपको, जैसा हर्षवर्धन वगैरह से क्वेश्चन आया उसका शासन का, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मलफूजात, तस्किरात, अकबर नैनर से, सैफिज्म से क्वेश्चंस थे, सूफी से भी था, सूफिज्म से क्वेश्चंस थे। सूफिज्म तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा मैंने आप लोगों को, सही है मेरा। ओके ओके, तो मैम क्या लगता है मतलब आपने, अच्छा बाकी जो जनरल वाला जो पेपर था, जनरल वाला हिस्ट्री के अलावा वो क्वेश्चंस कैसे? मॉडरेट टू हाई सर पेपर, मॉडरेट टू हाई पेपर। ओके, और हमें नहीं लगता कट ऑफ ज्यादा भागेगा इस बार। कट ऑफ, कट ऑफ 60-65 जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वुमेन का थोड़ा सा डाउन जाएगा, डाउन जाएगा। वुमेन का ज्यादा से ज्यादा मुझे जैसा लगता है कि 54-56 मैक्सिमम मैक्सिमम जाएगा, और जनरल का जो मेल है वो मैक्सिमम बहुत, क्योंकि पिछले बार सर बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे, हां बहुत इस बार मॉडरेट टू हाई कर दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था तैयारी जो करके आया है बच्चे बैठे हुए, यूजीसी लेवल का पेपर, उसी लेवल का, यूजीसी लेवल का पेपर, यूजीसी जी। हां ओके, चलिए कुछ और भी कैंडिडेट से बात करते हैं, जानते हैं कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे और क्वेश्चंस क्या क्या था जो इच्छुक है काफी स्टूडेंट्स उन तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे पहले तो ये बताइए।
अच्छा उसके अकॉर्डिंग सीखना, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा कि फंसाने जैसा कुछ क्वेश्चन था ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब बीपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड रखा है। लास्ट टाइम के एग्जाम से इस बार का कैसा लग रहा है कि ज्यादा टफ था? यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन अगर आप क्वालिफाई करती हैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्य मान रही हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल जो है वाकई में टफ थे। मेरे जो कैंडिडेट्स मैंने जो यूजीसी में पढ़ाया है, संगम ए, चोलास, ये तमिलकम वगैरह, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, नैनर, अलवर वगैरह का क्वेश्चन था शायद, हर्षा के पीरियड से क्वेश्चन पूछे हैं और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। और कह सकता हूँ कि वो नैनर और अलवर सूफिज्म पूरा पकड़ा है ना, लेकिन मिडिल इंडिया से क्वेश्चन काफी पूछे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं या यूजीसी वाले स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार भैया, मेडिएवल हिस्ट्री को अच्छे से स्ट्रांगली लेकर चलना। बिहार आजकल मेडिएवल हिस्ट्री से खूब पूछ रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री में बस एनसीईआरटी को पकड़ा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर मॉडरेट टू टफ और